हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं अनीता अपने चैनल गृह वाटिका में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे वाटिका में कितने खूबसूरत फ्लावरिंग ब्लूमिंग हो रहे हैं। अब मेरे सारे फ्लावर ब्लूमिंग शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम इस अस्टर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, इसकी केयर कैसे की जाती है और इसकी मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए, मैंने दो ये प्लांट लाए थे, बहुत छोटा बेबी प्लांट मैंने लाया था, मतलब बिल्कुल छोटा था। इतना छोटा इसमें मैं लाई थी नर्सरी से कि इसको लगाई थी तो सोचा कि लगेगा भी नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये लग गया और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो मैं ये दो प्लांट लाई थी और देखिए दोनों में डिफरेंस है। ये मैंने लाया था, अभी दोनों एक ही साथ लगाया था, लेकिन तुरंत इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गए। लेकिन मैंने गलती कर दिया था, जो कि मैं इसे एकदम बिल्कुल एक घंटे की जहाँ धूप आती थी वहाँ मैंने इसी तरह लगा के रख दिया था। तो देखिए ये फ्लावरिंग एक मंथ से है, लेकिन इसके जो पत्तियाँ हैं वो पीली हो रही है। और दोस्तों इधर देखिए, ये अस्टर जो प्लांट है ये बहुत खूबसूरत है और इस ये बहुत ग्रीन ग्रीन और हेल्दी प्लांट है। तो मैंने जब इसे देखा कि ये प्लांट मेरा ख़राब हो रहा है, तो मैंने दोनों को लाकर फुली सनलाइट में रख दिया है। तो देखिए फुली सनलाइट होने के बाद ये कितना ग्रोथ हो गया इसमें, और इसकी ग्रोथ रुक गई है। तो मैं इसकी पत्तियाँ भी, लेकिन अब सुधर रहा है। देखिए अब इसमें जब मैंने फुली सनलाइट में इसे रखा है तो इसकी देखिए पत्तियाँ अब सही हो रही है, तो ये प्लांट सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी केयर कैसे करनी चाहिए ये हम बता रहे हैं कि देखिए, इसकी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, और जब हमारी पूरी मिट्टी सूख जाए तभी हम इसमें पानी डालेंगे। अगर ये पानी ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो ये प्लांट गलने लगेगा, सूख जाएगा। जैसे मैंने देखिए, ये प्लांट में भी ज़्यादा ठंडी में मैंने रखा था, एक दो घंटे की धूप आती थी तो वहाँ ये प्लांट मेरा सूख रहा है। तो इसलिए मैंने दोनों प्लांट को लाकर इधर धूप में रख दिया है। तो देखिए ये खूब अच्छे से चल रहा है। और इसमें दोस्तों जो फर्टिलाइज़र डालते हैं वो हम 10 दिन 15 दिन में एक बार डाल सकते हैं। आप ऑर्गेनिक खाद भी डाल सकते हैं, और गोबर की खाद, अगर पुरानी गोबर की खाद हो तो भी हम इसमें बहुत अच्छे से ये हम डाल देंगे तो चलता है। और घर की जो बनी हम खाद बनाते हैं, फर्टिलाइज़र बनाते हैं, उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो 10 दिन में इसे ज़रूर कोई ना कोई इसमें फर्टिलाइज़र डालें, ताकि हमारा प्लांट अच्छे से चले। और लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी चल जाएगा, जैसे ऑनियन पील्स हो गया, बनाना पील्स हो गया, या ऑरेंज पील्स हो गया। तो कोई भी फर्टिलाइज़र जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो भी इसमें हम 10 दिन में एक बार डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने दोस्तों इसमें कल ही ये फर्टिलाइज़र डाला था, और ये मैंने थोड़ी सी पोटाश दोनों में डाली थी। तो यहाँ पोटाश डालने के बाद और जैविक खाद में मिलाकर मैंने डाला है, तो और उसमें पानी डाला है। तो इसके पहले वो सूखी मिट्टी थी, तो ये बहुत अच्छे से मिट्टी चल रही है। अब जब हम इसकी पूरी मिट्टी सूख जाएगी तब हम इसे पानी ऐड करेंगे। और देखिए थोड़े ये धूप में रखने से इसके कलर, ये बेबी पिंक था तो इसके थोड़े कलर फेल्ट हो गए हैं, और ये पूरे रेड कलर था। तो मैंने बताया तो ये इसमें थोड़ा मैंने ख़राब कर दिया है, लेकिन ये एक मंथ से फ्लावर है तो इसके फ्लावर बहुत दिन तक रहते हैं। और इसमें हर दो चार दिन पर या एक सप्ताह पर इसमें नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, ताकि जो हमारे मिट्टी में फंगस लगती है और उसके चलते हमारा प्लांट में फंगस लग जाती है तो वो ठीक हो जाए। तो इसके चलते आप हर एक सप्ताह पर इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या जो लहसुन मिर्ची का हम पेस्ट बनाते हैं उसकी भी फर्टिलाइज़र आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों जब ये हमारा प्लांट जब सूखने लगता है तो हम इसमें से बीज अपने आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अभी तो ये हमारा प्लांट सही है और इसके फ्लावरिंग भी सही हो रहा है। तो जब इसके फ्लावरिंग थोड़े सूख जाएंगे तो हम इस तरह हटा देंगे इसको, और यहाँ से जो होता है उसका बीज कलेक्ट हम करते हैं और ये बीज बन जाता है। तो अभी तो हमारा फ्लावरिंग देने पर तैयार है, और ये भी, और इसमें से अभी देखिए नीचे से निकल रहे हैं, तो अभी ये बीज नहीं देंगे, और जब सूखने लगेंगे तो इसे हटा देंगे तो और सारे फ्लावरिंग इसमें शुरू हो जाते हैं। और आप इसे बीज से भी लगा सकते हैं, और इसे कटिंग से भी, बहुत कम ही चलता है लेकिन कटिंग से भी लगा सकते हैं। सबसे अच्छा होता है दोस्तों इसे नर्सरी से आप बेबी प्लांट लाइए, और कम रेट में मिलता है शुरू में, और तब लगा सकते हैं इसे,
तो सबसे अच्छा बेबी प्लांट ला कर आप अपने नर्सरी में ऐड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से चलता है। क्योंकि बीज से जब हम लगाते हैं तो ये बहुत टाइम लगता है इसे लगाने में, इसे जर्मिनेट होने में, तो इससे अच्छा रहता है कि हम नर्सरी से ही लाएँ और 5-10 रुपये में लाते हैं और उसे अच्छे से जर्मिनेट कर लेते हैं। तो इस तरह हम अपने प्लांट्स की केयर और देखभाल कर सकते हैं। अस्टर प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और कई सारे इसके कलर होते हैं, रेड हुआ, पिंक हुआ, येलो, वाइट, इस तरह बहुत सारे कलर होते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर से बोल रही हूँ, बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें। बाय दोस्तों, टेक केयर।